खबर रीवा जिले से है, जहां मऊगंज में अतिक्रमण हटाने मुहिम को लेकर स्थानीय प्रशासन घिर गया है, क्योंकि पहले 15 मीटर तक नगर में अतिक्रमण हटाने का लगातार अलाउंस करने के बाद जनपद एरिया में समूचे व्यवसायियों के उजड़ने से लोगों में भीषण आक्रोश है, तो वहीं अब समूचे नगर के व्यापारी विरोध में उतर चुके हैं। इस तरह से भड़के आक्रोश के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना व जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ सड़क पर उतरे नगर के व्यापारियों का भारी हुजूम और पूर्व विधायक ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। अपने ही जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने का प्रशासन पर आरोप भी लगाया और कहा कि जानबूझकर मऊगंज में प्रशासन द्वारा व्यापारियों में दहशत और अराजकता का वातावरण निर्मित करने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि मऊगंज का विकास होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर पहले 15 मीटर हटाने की बात कही, लेकिन साफ और सुंदर बनाने के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से गरीबों को उजाड़ने का कार्य लोगों के ऊपर अत्याचार से कम नहीं है। वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर पनपे जनाक्रोश को देख आज प्रशासन ने कार्यवाही को रोक दिया है। प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के विरोध में पूर्व विधायक के साथ सड़क पर उतरे व्यापारियों की खबर लगते ही मऊगंज SDOP नवीन दुबे और नगर परिषद CMO महेश पटेल पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा नीतिगत निर्णय लेने की बात कही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष मकसूद खान ने प्रशासन को अपने ही फैसले से पलटने और जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया और इस तरह से की जा रही जागती के लिए मऊगंज विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। उसी तरीके से एक एक पहलू है, डेवलप होना जरूरी है। बसंते जब तक बाजार नहीं रहेगी, लोग नहीं रहेंगे, हाँ व्यवस्थित होना चाहिए, उसके लिए चर्चा हो रही है। आप जबरदस्ती सिर्फ रंजिशा ने आप दबाव बना करके कि ये वो हमें कोई वोट दे ना दे, लेकिन यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं अत्याचार दिखेगा तो हम खड़ा होगा। बाकी तो कई ऐसी घटनाएं जो मैं खुद ही आपको फोन करके बोला हूँ, आप देखिए कई मर्डर उजागर हुए, कह दीजिए गलत ये हमारे आपके दृष्टिकोण बात है। इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं, हम SDM बोले हैं कि हम देश बस अति ये है कि इस पर निदान करें, तब रही बात जनपद जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, मगर ही जवाब जितने दुकानदार हैं मऊगंज में अतिक्रमण को लेकर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम शासन द्वारा चलाई गई है, इसमें पहले प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया था कि 15 मीटर में लाल स्याही लगाकर यू अतिक्रमण हटाने के लिए इन्होंने जनता को आश्वासन किया दिया था एक माह पहले जी। लेकिन और जो अनाउंसमेंट भी किया गया था नगर पालिका की तरफ से, वो 15 मीटर ही किया गया था, लेकिन वर्तमान में जब कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू हुई तो इन्होंने जो है तो स्कूल और ब्लॉक दोनों साइड में इन्होंने ये कहा, SDM साहब ने कहा कि हम 50 मैंने पूरा मतलब अतिक्रमण मुक्त ही कर देंगे, जबकि ये न्याय संगत नहीं है। इससे तो मतलब पूरा व्यवसाय व्यापारी छोटे व्यापारी के मऊगंज की जो भी मार्केट थी वो एक ब्लॉक से लेकर के बस स्टैंड के आसपास का मार्केट था, अगर इनको अतिक्रमण हटाना ही था तो इनको जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण किए हुए हैं आज 25-30 साल से 50 साल से इनकी रोजी रोटी चल रही थी, ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा जान बूझ करके और इस तरह से अतिक्रमण हटाना और बेरोजगार की स्थिति निर्मित हो गई है, ऐसी स्थिति में लोग बहुत बार ऐसे हैं जहाँ दो दो वक्त की रोटी के लिए इस तरफ जाएंगे बेचारे, तो सरकार के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम तो बनाने का काम कर रहे हैं लेकिन आखिरकार ये जनता कहाँ जाएगी, इतना परिवार कहाँ जाएगा, इसके लिए इसको आज इसके बाद आपने तत्काल कहा कि पूरा हटा लो। हाँ, ऐसी क्या वजह पड़ी कि आप आज दबाव में काम कर रहा है, प्रशासन से सत्ता के इशारे में काम कर रहा है, जनता मतलब एक तरह से गरीबों को जानने का लोगों को उतारने में बेचारे हैंड टू माउथ सुबह कमाने खाने वाले लोग थे, इस तरह से जनता के पास विकल्प नहीं क्या बचा है, सुनने वाला कोई है नहीं, उनको विस्थापित करने का काम करेंगे।
क्या इनके पास कोई ऐसी नीति है कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं? हटाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई योजना नहीं है कल से ये काम लगा देंगे। भाई काम लगाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, टेंडर होता है कि हमारा ये प्लान है, प्रस्तावित होते हैं ये कार्य। इनका कोई प्लान नहीं है, सिर्फ गरीबों को उजाड़ने का काम है। इस तरह से तो पहले भी ये लोग कर चुके हैं यहाँ पे, कोई पहली घटना थोड़ी है। कई बार इस प्रकार से घटनाएं हो गई लेकिन कुछ प्लान हुआ नहीं। इसलिए जो है तो अपने लोगों को उत्कृत करने के लिए एक तरह से प्रशासन, मतलब सीधे सीधे प्रशासन अपने लोगों को जो है तो ये बना करके दुकान देगा या नहीं देगा क्या करेगा, लेकिन जो लोग हैं उनको उजाड़ देने। अभी उसकी दादागिरी चली है, दादागिरी काम से जो है तो लोग काफी परेशान है और स्थिति जो है तो ये निर्मित है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, कुछ व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि यह मऊगंज बाज़ार है, और जब बाज़ार है तभी यहाँ पर SDM कार्यालय है, तभी यहाँ पर नगर पंचायत बनी, तभी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट बैठा, तभी आने वाले समय में जिला बनेगा। अब समस्या है कि जब बाज़ार ही नहीं रह जाएगी, पूरा उजाड़ दिया जाएगा, एकदम साफ सफाई भर रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि मऊगंज सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना स्वस्थ भी होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। मऊगंज अस्पताल की क्या दुर्दशा है, मैंने सिविल अस्पताल मंजूर कराई थी, वहाँ पे डॉक्टर बैठे ना बैठे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मऊगंज साफ होना चाहिए। ये मुद्दा जो चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के आपके तहसील से लेकर के और उधर चाक मोड़ से लेकर के आगे तक बाज़ार बसी हुई, बाज़ार रहे। हम कहते हैं कि जाम लगता है, उस हिसाब से 40 फुट या 35 फुट जो भी प्रशासन ने लिया वहाँ तक उचित तरीके से उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, डिवाइडर बन रहा है उसका सही उपयोग। लेकिन अब ये कहिए कि पूरी उजाड़ दी जाए, कहीं हो कि शासकीय है, फला है, ढका है, उजाड़ने के साथ बसाने का भी काम होना चाहिए व्यापारियों के लिए, या जो भी बसे हैं, जो भी रह रहे हैं, रहायशी हैं, तो इन्हीं मुद्दों पर ये सब चर्चाएँ हैं कि उजाड़ा न जाए। और ये जो भी जनपद की बात आई तो जनपद में 40 साल 50 साल से लोग बसे, ठीक है वहाँ पे, तो मैं ये नहीं कहता शासकीय ज़मीन है लोग उस पर घर बनाए, उस पर प्रशासन दुकानें बनवाए, उनको दुकानें आवंटित करे, जिन लोग इतने दिन से बसे हैं उनसे पगड़ी जमा कराए, और जब पगड़ी जमा करा ले तो उनको हटवा दे, यहाँ की बात ये बात जायज़ है। अब लेकिन सीधे हटा दे फिर इसके बाद कोई चर्चा ना हो और सब बेघर हो जाए, सब दो दो पैसे कमा रहे हैं, कोई बड़ा रोज़गार थोड़ी है, यहाँ तो बस कोई दुकान खोल लिया, छोटे छोटे दुकान हैं, सारी बातें हैं। हम कहते हैं जो बड़े व्यापारी हैं उनका तो बड़े बड़े घर बने, और जो छोटे छोटे लोग दुकान खोले उनको उजाड़ करके फेंक दिया जाए सिर्फ साफ सफाई दिखने के लिए, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे उचित तरीके से दुकानें बने, और जो दुकानें बन जाए उन्हीं को वो दुकानें दे दी जाए, और शासन प्रशासन ने जो भी चूना लगाया क्या लगाया 35 फुट 40 फुट उसका सही तरीके से मापदंड तय कर ले, एक साइड से 40-40 फुट दोनों तरफ साफ सफाई कर ले। दो बार नोटिस दिया गया था कि दुकान नोटिस देना अलग चीज़ है, हम कहते हैं 40 लिए थे 45 क्यों करने लगे, फिर हम कहते हैं कि अगर 35 में आपका काम बेहतर तरीके से चल रहा है तो 35 ले, कोई जरूरी कि आपने 40 का चिन्ह लगा दिया तो 40 से 42 कर दो। तो कहीं कहीं ये रंजिशन हो रहा है, और ये बताने के लिए कि बड़ा भारी मऊगंज में विकास हो रहा है,